रात में मुसरीघाई थाना अंतर्गत 112 के माध्यम से थाना अध्यक्ष मुसरी गरारी फैजुल अंसारी को एक कॉल आया और एक पीड़िता के द्वारा मदद भी मान गई कि हमारे साथ कोई अप्रिय घटना पुनः हो सकता है। तत्काल थाना अध्यक्ष इसकी सूचना देते हुए और अपराध की घटना की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए सूचित किए और वहां पर पीड़िता से जो एक जगह छिप के एक जरेर के खेत में मिली जो अपने बचाव हेतु छिपी हुई थी उसको लेकर के पीड़िता से जब पूछताछ की गई तो पीड़िता के द्वारा एक संज्ञेय घटना की सूचना दी गई। तत्काल एक टीम गठित की गई और टीम इस में काम में करने प्रारंभ की। इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर को भी दी गई। पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर द्वारा एक टीम गठित कर करके इसको त्वरित रूप से अनुसंधान करने और कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त हुआ। इसी प्रक्रिया में पीड़िता द्वारा जानकारी दी गई कि एक हॉस्पिटल है जहां पर ये पीड़िता विगत 10-15 महीने से रह रही थी और वहां के एक डॉक्टर हैं, उस हॉस्पिटल का नाम है RBS हेल्थ केयर सेंटर। ये अभी हॉस्पिटल पूरा पूर्ण रूप से नहीं है, कोई पेशेंट भी नहीं थे, लेकिन एक हॉस्पिटल बनाने की प्रक्रिया में है। कभी कभी साधारण इलाज यहाँ पर होते थे। वहाँ पर एक महिला जो स्टाफ थी उसके साथ रात में, जिसमें तथाकथित डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और इलाज भी करते हैं, और इनके दो और साथी थे, ये तीनों मिलकर के शराब पी रहे थे। इसी क्रम में एक महिला को बुलाए जो स्टाफ थी और उसके बाद इसको एक अप्रिय घटना करने के लिए प्रयास किए। इस प्रयास के क्रम में स्टाफ के द्वारा बचाव करने की पूरी कोशिश की गई और बताने की भी कोशिश की कि गलत है, उसके बावजूद भी डॉक्टर के द्वारा अप्रिय घटना करने के प्रयास के दौरान ही जब उसको नहीं हुआ तो उसको उन्होंने ब्लेड के अपने हाथ में लिए, एक ब्लेड से प्रतिरक्षा के रूप में या बचाव के रूप में डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर प्रहार की, जिसके बाद उसको छोड़ दिया गया। उसके साथ तो कोई अप्रिय घटना नहीं घट पाई, लेकिन इसी क्रम में जो मेन गेट का ताला बंद था तो ताला को चाबी लेकर के खोल करके भागी, जिसके क्रम में इनके दो जो अन्य दोस्त थे उसका पीछा किए और पीछा करने के क्रम में ही वो जलेर के खेत में गई और 112 के माध्यम से सूचित की गई। इस अनुसंधान के क्रम में इन तीनों व्यक्ति को गिरफ्तार करके पूछताछ की गई और घटना को सत्य पाया गया, तो सत्य पाने के पश्चात इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक ऑल्टो कार बरामद की गई है। पीड़िता द्वारा जिस ब्लेड से प्रहार किया गया था उस ब्लेड को जब्त किया गया है। ये शराब जो एक आधा बोतल शराब भी बरामद किया गया है जिसमें अलग से कांड दर्ज किया जा रहा है। और जो जख्मी थे उनका इलाज भी कराया गया है और वहाँ से कपड़े बरामद किए गए हैं, खून लगे कपड़े, बेडशीट और जो लुंगी था और जो पैंट था वो जब्त किया गया है। तीनों का मोबाइल जब्त किया गया है। इसी क्रम में घटना के पूर्व ऐसी बात आ रही है कि CCTV को ऑफ कर दिए थे लोग, यानी इनको अपराध की घटना करने का पूरी एक योजना थी और इस योजना के तहत ये काम कर रहे थे। तो इस प्रकार अनुसंधान के क्रम में सभी साक्ष्य जो है अभियोजन के हित में प्राप्त हुए हैं और त्वरित रूप से इस घटना का में चार्जशीट दे करके और सजा की प्रक्रिया में हम लोग काम करेंगे। डॉक्टर इसमें तीन आदमी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें जो डॉक्टर हैं उनका नाम है
संजय कुमार जो ये तेघरा के रहने वाले हैं लेकिन यहाँ पर अभी हेल्थ केयर सेंटर बना रहे थे, दूसरा सुनील कुमार गुप्ता हैं और तीसरा अवधेश कुमार, इन तीनों से भी पूछताछ की गई है और घटना में इनकी संलिप्तता भी पाई गई, क्योंकि ये बाद में फिर से लड़की को के साथ अप्रिय घटना करने के लिए काफ़ी खोजबीन किए लेकिन लड़की जो छुप गई या त्वरित रूप से पुलिस पहुंच गई, इसलिए ये घटना बड़ी घटना अप्रिय घटना से बचाव हो पाया।